हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर आज हम जो नई रिक्रूटमेंट आई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की उसके बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि और भी नई वैकेंसीज़ आएँ तो आपको पता चलता जाए ठीक है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अब हम बात करने जा रहे हैं जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में टोटल है वन सिक्सटी सेवन ठीक है प्लस एटीन का मतलब है ये एटीन ऊपर नीचे हो सकती हैं और इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है इस टेंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी और इसकी फीस है वन हंड्रेड अब हम बात करते हैं वैकन्सिस के बारे में ठीक है इसमें जो ये वेबसाइट है एच टी टी पी आर ए सी डॉट गोव डॉट इन इसके इससे आप ये सारी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो वैसे मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी ठीक है इसमें सबसे पहले जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अब हम डिटेल में बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में इसकी क्लोजिंग डेट है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है टेंथ ऑफ जुलाई 2020 और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग में ठीक है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है ये वैकेंसीज़ है डर्डो की डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है सबसे पहले जो वैकेंसीज़ है उसका वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसकी टोटल वैकेंसीज़ हैं थर्टी सेवन और जनरल की इसमें है फिफ्टीन ई डब्ल्यू एस की फ़ोर और ओ बी सी की टेन एस सी की पाँच और एस टी की तीन ठीक है इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी ठीक है और इसके साथ आपको एप्लीकेशन मस्ट आल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट जो ये दो नीचे हैं मैं आपको बताती हूँ ठीक है गेट क्वालिफ क्वालिफाइड होना चाहिए आपका ठीक है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो पेपर कोड ईसी है वो वाला गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका या फिर आपने आई जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने जो क्वालिफिकेशन है अपनी कंप्लीट की हो वहां पर और 80 परसेंट आपके मार्क्स आए हो तो आप इन दोनों में से अगर आपकी एक चीज़ है तो आप वैलिड कर सकते हो और जो ये साथ में है ये सब्जेक्ट हैं जो कि आपने अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम, एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे ठीक है अब नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको आपके लिए टोटल थर्टी फाइव वैकेंसीज हैं फोर्टीन जनरल की ई की तीन ओ की दस एस की पाँच एंड एस की तीन टोटल थर्टी फाइव इसमें क्वालिफिकेशन सेम फर्स्ट क्लास की आपने बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की की होनी चाहिए फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है और जैसे कि सेम आपने गेट क्वालिफाइड किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर का जिसका पेपर कोड है एम या फिर आपने एटी परसेंट आई और एन में आईआईटी आई और एनआईटी इंस्टीट्यूट से आपने 80 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स लिए होने चाहिए अपनी असेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपने डिग्री वहां से की होनी चाहिए और 80 परसेंट मार्क्स आपने लिए होने चाहिए अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस में टोटल 31 वन वैकेंसीज हैं जनरल की ट्वेल्व है ई डब्ल्यू एस फोर ओ बी सी की आठ और एस सी की पाँच एस सी एस टी की दो ठीक है इसमें भी सेम असेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी और सेम एज गेट क्वालिफाइड होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का या फिर आपने आईआईटी और एनआईटी से अपनी असेंशियल क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए और 80 परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए इन दोनों में से आपको एक चीज़ फुलफिल करनी है ठीक है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल ट्वेल्व वैकेंसीज हैं पांच जनरल की हैं चार ओ की हैं एस सी शेड्यूल कास्ट की दो हैं एस की वन है ठीक है और इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी में और इसमें गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ठीक है एक पर है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मेट्रियलॉजिकल इंजीनियरिंग ठीक है इसमें दस वैकेंसी हैं टोटल टेन वैकेंसीज हैं पाँच हैं जनरल की एंड दो हैं ई डब्ल्यू एस की दो हैं ओ बी सी की वन है एस सी की और एस टी की कोई वैकेंसी नहीं है असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें एटलीस्ट थ्री एट लीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी फ्रॉम ए रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट और गेट क्वालिफाइड होना आपका जरूरी है ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो और वैकेंसीज निकली हैं इस फिजिक्स की है जनरल टोटल हैं फिजिक्स की आठ वैकेंसीज और जनरल की दो हैं ई की ई की वन है ठीक है ओबीसी की टू है एससी की भी टू है एसटी की वन है टोटल एट है असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपने मास्टर डिग्री की की होनी चाहिए फिजिक्स में ठीक है और गेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए फिजिक्स का ठीक है नेक्स्ट केमिस्ट्री की वैकेंसी है इसमें भी टोटल सात वैकेंसीज हैं जिसमें तीन हैं जनरल की दो हैं ओबीसी की एससी की एक है एसटी की भी एक है इसमें आपने मास्टर डिग्री की की होनी चाहिए और गेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए उसके स्कोर जो वैलिड होने चाहिए अब आगे है केमिकल इंजीनियरिंग की इसमें छः वैकेंसीज हैं दो जनरल की एक ई की दो ओ की एस की एक है ठीक है अब इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए फर्स्ट फर्स्ट क्लास में ठीक है फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी जिसमें आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए और गेट का क्वालिफा आपके जो स्कोर हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए अब नेक्स्ट है एरोनोटिकल इंजीनियरिंग ठीक है इसमें टोटल चार हैं जनरल की एक है ई की एक है ओ की एक है और एस की एक है इसमें भी आपको बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए अर्नाटिकल इंजीनियरिंग की ठीक है फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी इसमें भी आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए नेक्स्ट है मैथमेटिक्स की ठीक है इसमें भी टोटल चार वैकेंसीज हैं दो जनरल की हैं एक ओबीसी की और एक एससी की इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स ठीक है और गेट आपका मैथ्स में क्लियर होना चाहिए वैलिड स्कोर होने चाहिए और अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर की सिविल इंजीनियर की तीन वैकेंसीज हैं दो हैं जनरल की और एक है ओबीसी की इसमें आपने सिविल इंजीनियर की होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री की होनी चाहिए ठीक है और गेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए अब जो लास्ट वैकेंसी है हमारे पास है साइकोलॉजी की ठीक है इसमें टोटल दस वैकेंसीज हैं चार जनरल की हैं एक ईडब्ल्यूएस की दो ओबीसी की दो एससी की और एक एसटी की ठीक है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी की ठीक है और इसमें नेट क्वालिफाइड चाहिए बाकियों में जैसे गेट क्वालिफाइड चाहिए था इसमें नेट क्वालिफाइड चाहिए ठीक है किसमें साइकोलॉजी में नेट क्वालिफाइड चाहिए ये तो हो गई वैकेंसी अब हम बात करते हैं एज लिमिट जो कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल के लिए और ईडब्ल्यू के लिए एट ट्वेंटी एट से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम एज ट्वेंटी एट होनी चाहिए ओबीसी की मैक्सिमम एज इज़ थर्टी वन ईयर एस सी एस टी की मैक्सिमम एज इज़ थर्टी थ्री आप ये सारी डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा ठीक है मैंने आपको सारा फॉर्म समझा दिया है बाकी आप जब ने आप पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सी वैकेंसीज़ हैं कहाँ पे हैं मैंने आपको बता दिया कि मैं इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी ठीक है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और वैकेंसीज के बारे में साथ के साथ पता चलता जाए ठीके? ठीक है थैंक यू